देवघर में साइबर अपराधियों को ग्रामीण संरक्षण दे रहे हैं। रविवार की रात दिल्ली पुलिस की टीम पथरौल थाने की पुलिस के साथ गांव में छापेमारी करने पहुंची। पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया और उसी दौरान काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए और पुलिस टीम को बंधक बनाकर उनकी पिटाई की। उसके बाद साइबर अपराधी को हथकड़ी के साथ अपने साथ ले गए। देवघर में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल। साइबर अपराधी को हथकड़ी समेत छुड़ा ले गए ग्रामीण। देवघर के पथरौल थाना क्षेत्र के ठेगाडी में साइबर अपराधी को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के 3 जवान और पथरौल थाने का 1 जवान घायल हो गया। ग्रामीणों ने हथकड़ी समेत आरोपी प्रमोद रवानी को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि जिन लोगों ने भी पुलिस के साथ बदसलूकी की है और आरोपी को छुड़ा कर ले गए हैं, उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, पुलिस के साथ में हाथापाई थी, उसमें पथरौल थाना क्षेत्र में FIR हुई और उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और शेष सभी फरार, पुलिस उन सभी फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। दिल्ली के ज्योति नगर साइबर अपराध थाने की पुलिस ने बिहार के बेगूसराय से साइबर आरोपी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। इसी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस देवघर के पथरौल पहुंची थी। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।